विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों को लेकर इंदौर जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में नगर निगम, BSNL और MPEB सहित 13 विभागों के 85,000 प्रकरणों की सुनवाई हुई। न्यायालय के पास लंबित पड़े मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए लगातार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। शनिवार को इंदौर जिला कोर्ट में लगी नेशनल लोक अदालत का जस्टिस PK जायसवाल ने शुभारंभ किया। लोक अदालत में नगर निगम, MPEB और BSNL सहित करीब 13 विभागों के 85,000 लंबित प्रकरणों की सुनवाई हुई। जिला जज ने उम्मीद जताई कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों के प्रकरण जल्द ही निपटाए जा सकेंगे। नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, उसमें कुल 21 प्रकार के प्रकरण रखे जा रहे हैं। 21 प्रकार के प्रकरणों में कुल 85,000 प्रकरण हैं, जिनमें से 60,000 प्रकरण प्री लिटिगेशन के हैं। 25,000 प्रकरण नियमित न्यायालय में जो लंबित है वे इसमें रखे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगर निगम, दूर संचार एवं MPEB द्वारा अधिभार एवं विभिन्न प्रकार की रियायतें भी इसमें दी जाएगी। साथ ही पक्षकारों को निशुल्क वन विभाग की ओर से पौधे भी वितरित किए जाएंगे। वहीं इंदौर अभिभाषक संघ के प्रतिनिधियों ने भी लोक अदालत से लोगों को आसान न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से फायदा होने की बात कही। ऐसी उम्मीद है कि लोक अदालत में लगभग 70 से 80 प्रकरणों का निराकरण होगा। इंदौर जिला कोर्ट में लगी नेशनल लोक अदालत में सुबह से ही आवेदनकर्ताओं का आना शुरू हो गया था। अलग अलग विभाग के अधिकारियों ने बैठकर लोगों के प्रकरणों की सुनवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live News।